पड़ा कि वो न्यूट्रल जानवर होता है, मैं बाहर निकल के खतरनाक हूँ, क्या वजह, क्या खराबी की बुनियाद आप क्या समझते हैं, क्या खराबी की वजह बनी? जो देखें, आप खुद ही अगर किसी का एहसान भूल जाए ना, ये आप कुरान शरीफ, तो आप माशाल्लाह बड़े मजहबी हैं, आप कुरान शरीफ में पढ़े ना, वहाँ तो साफ है कि किसी का एहसान जो है, एहसान फरामोशी जो है, ये हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है। और जितना लुक आफ्टर उन्होंने किया है, आज थोड़ा सा वो उस वक्त साथ साथ ख़ुद भी सीखने का ज़रूरत थी, अगर वो साथ साथ नहीं हो सका तो चलो कम से कम उनका एहसान ही किसी एक का, जैसे देखें मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ ये एक एहसान किया था, तो उसकी मुश्किल वक्त में हमने उसका साथ नहीं छोड़ा, अब भी रब्ता है उनकी सेहत का, उनके पूछते रहते हैं उनके बेटे को, उनकी बेगम को। तो इस तरह नहीं होता, जब इंसान है ना, हर बंदे को इंसान समझना चाहिए, उनके साथ तल्लुकात जो हैं सियासत में, ये आपको पे बैक करते हैं, उसका फौरी रिजल्ट नहीं आता, ये फ्रूट बड़ी देर बाद लगता है। की? क्या वजह हुई इमरान खान की, क्यों दूरी पैदा हुई नवाज शरीफ की? नवाज शरीफ की मैंने जैसे आपको कहा कि वो दोनों जगह मिलती हैं आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें, नवाज शरीफ की खराबी की और जो अब खराबी हुई है। देखिए, ये अदारा जो है बड़ा डिसिप्लिन्ड अदारा है, इसमें सियासतदानों को एक असूल बना लेना चाहिए कि इस अदारे में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त की नहीं जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए, और ना वो कबूल करता है ये इदारा। आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? वो तो सब सारे जान को पता है, तो जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान को पता है, तो खराबी की बुनियाद भी वहीं से। और वो तो देखें, मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, और जरदारी साहब ने जब कियानी साहब की टेन्योर ख़त्म हुई तो उन्होंने तो एक साल मांगा था, तो इन्होंने कहा नहीं, हमने दो साल देने हैं। तीन साल दे दिए थे जरदारी साहब ने, मुश्किल हुकूमत में अपना मसला ठीक रखा था दारों के साथ।